नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस ने जिस प्रकार आपसे वादा किया है, हम आपके साथ हर पग पग पर खड़े हैं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अब हम लेके आ चुके हैं आप सबके लिए रणनीति का ये दूसरा वीडियो मैथ्स का। और आज हमारे साथ है स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस की सीनियर मैथ्स फैकल्टी गिरिराज किराड़ू सर। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने कहा था कि रणनीति की इस सीरीज़ के अंदर मैथमेटिक्स का सेक्शन भी आएगा, तो आज मैं गिरिराज किराड़ू आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स RBSE का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, जिसमें मैथमेटिक्स के अंदर हम कैसे 100 out of 100 स्कोर कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे 100 में से 100 नंबर लाने के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। अब आपके सामने जैसे सबसे ऊपर लिखा हुआ है मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप, तो जो ब्लूप्रिंट दिया गया है इसी के हिसाब से RBSE अपने एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर को सेट करती है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो एक एक क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, तो एक्सरसाइज बहुत सारी है, 1 से लेकर 19 प्रश्नावलियाँ इसके अंदर होती है और सबका अलग अलग मार्किंग का वेटेज रहता है। 1 नंबर के क्वेश्चंस जो पार्ट ए में पूछे जाते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस जो पार्ट बी में आते हैं, और 3 नंबर के क्वेश्चन पार्ट सी में, और 4 नंबर के क्वेश्चन पार्ट डी के अंदर आते हैं। अब कौन सी एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं उसको समझने के लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। सबसे पहले वैदिक गणित, 4 नंबर की एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। स्कोरिंग मार्क्स जो आपको बनाने हैं वो वैदिक गणित से ही आप बना सकते हो। फिर 2nd नंबर पे संख्या प्रदत्ति, नंबर सिस्टम भी बहुत इजी एक्सरसाइज रहती है, आप इसके अंदर भी अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो कि है 3 नंबर की। आगे इनके परसेंटेज दे रखे हैं, ओवरऑल परसेंटेज इनका वेटेज क्या रहेगा पूरे 100 नंबर के बीच में। फिर 3rd नंबर पे बीजगणित के अंदर आपकी एक्सरसाइज आती है 3rd, जो है कि पॉलिनोमियल्स, बीजगणित के अंदर बहुपद। उसके बाद में आती है 2 वेरिएबल्स, बीजगणित के अंदर आपके पहली आ गई पॉलिनोमियल्स, और उसके बाद में 2 वेरिएबल्स जिसके अंदर लीनियर इक्वेशन की मदद से आप ग्राफ वाले क्वेश्चंस करते हो, तो वहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा 6 नंबर का, जिसमें आप ग्राफ को सॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फिर 20 गणित के अंदर 3rd पार्ट आता है एक्सरसाइज 5, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको भी 20 गणित के अंदर ही इंक्लूड किया गया है। तो उसके अंदर आप उसको भी नेक्स्ट त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है उसमें एक्सरसाइज 6, 7 और 8 आती है। 6 एक्सरसाइज 2 नंबर की, जिसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 7 एक्सरसाइज जिसमें 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, और 8 एक्सरसाइज जिसमें 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है। अब इसकी जो मार्किंग है कोई फिक्स नहीं है, आपको कहीं से भी कितने नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑल ओवर दी जो त्रिकोणमिति का जो पोर्शन है वो 11 नंबर का रहता है। फिर 9 नंबर एक्सरसाइज आती है आपकी निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पूरी 6 नंबर की है, और इन सभी के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर आप इसके अंदर स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये सीधा 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पार्ट डी में, जो आएगा 6 नंबर का। तो ये भी आपके स्कोरिंग एक्सरसाइज के अंदर इंक्लूड हो जाती है। फिर आता है ज्यामिति का पोर्शन, ज्योमेट्री, सभी बच्चे इसको हार्ड मानते हैं, बट ये कुछ भी हार्ड नहीं होता है। आप अगर अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ में अपनी प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आपके 100 में से 100 नंबर जरूर आएंगे। और जो बच्चे 100 में से 100 लेके आते हैं उनका जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो ज्यामिति रहता है, ज्योमेट्री रहता है। जो बच्चे ज्योमेट्री को छोड़ के जाते हैं वो इसको छोड़ने के बाद में 100 में से 100 उम्मीद में नहीं ला सकते कि मेरे नंबर आ सकते हैं। ज्यामिति का पोर्शन पूरा 20 नंबर का है, जिसमें आपको मैं लाइन से बता दूं, सबसे पहले आती है एक्सरसाइज 10, जो कि है लोकस, बिंदुपथ। अब उसकी मार्किंग क्या रहती है वो RBSE का जो पैटर्न है वो आपको मैं आगे समझा दूंगा। फिर उसके बाद में आती है सिमिलरिटी, एक्सरसाइज नंबर 11। फिर उसके आगे आती है सर्कल, और उसके बाद में सर्कल एंड टेंजेंट, और लास्ट में बस जाता है आपका रचना वाला पोर्शन, जो कि उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है जो अच्छे से अच्छा स्कोर लाकर एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं। और आगे उसके बाद में आप एक्सरसाइज 14 के अंदर ये देखोगे कि 6 नंबर का भी क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है। फिर एक्सरसाइज 14 के बाद में 15 जो आता है क्षेत्रमिति, यानी मेंसुरेशन के पोर्शन में, मेंसुरेशन के अंदर 2 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 15 और 16। इन 2 एक्सरसाइज के अंदर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। उसका रीज़न क्या है कि आप कुछ एक फार्मूलाज को अच्छे से याद करके एग्ज़ाम के अंदर इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। कारण क्या है कि आप एक बार फार्मूला याद कर लोगे तो एग्ज़ाम के अंदर इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं,
हैं, सीधा फॉर्मूला पुट करो और जो वैल्यू उसमें गिवन है वो डालो और जो पूछा गया है आप उसको फाइंड कर सकते हो। फिर लास्ट में वो एक्सरसाइज जो हर बच्चे को करके जानी चाहिए, 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स प्लस में उसके प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। ये दो एक्सरसाइज मैं कहता हूँ हर बच्चे को करके जानी चाहिए, एक एक्सरसाइज 6 और एक नीचे वैदिक एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइज को अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और एट द लास्ट पॉइंट सड़क सुरक्षा शिक्षा, इसके भी 4 नंबर सरकार ने जैसे RBSE ने रखे हुए हैं तो आप इसको करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अंदर अब आपको मैं बता देता हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वैदिक, अब वैदिक मैंने बोला कि 4 नंबर की एक्सरसाइज है तो 4 नंबर के अंदर आपको वो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ब्लूप्रिंट के हिसाब से जैसे आप देख पा रहे हो कि 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, तो यानी कि इस एक्सरसाइज से आपको देखने में मिल जाएंगे 3 क्वेश्चन और जिसका वेटेज रहेगा 4 नंबर। उसके बाद में सेकंड एक्सरसाइज नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंदर आप देख रहे हो 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और फिर इसके आगे 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, तो इसके वेटेज हो गए 3 नंबर। 3 नंबर की एक्सरसाइज है जैसे कि मैंने बताया था। फिर बीज गणित का पोर्शन, बीज गणित के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे 3 एक्सरसाइज इंक्लूड होती है तो 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का और 1 क्वेश्चन फिर से आपको देखने को मिल रहा है 3 नंबर का। अब इसके अंदर होता क्या है, कई बारी क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो चेंज भी कर सकते हैं, RBSE के साथ में रहता है तो वो 2 नंबर के क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके आगे आता है आपके एक्सरसाइज 6, 7 और 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था, पिछले कई सालों से आप पुराने पेपर को उठा के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एक्सरसाइज 6 से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन भी कर सकते हैं और सीधा 2 नंबर का 1 क्वेश्चन भी कर सकते हैं एक्सरसाइज 6 से, क्योंकि वो थोड़ा ईजी रहता है तो 1-1 नंबर वाले बोर्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। फिर एक्सरसाइज 7 जिसमें आपको प्रूफ करना पड़ता है 7.1 के अंदर, उसमें आपको 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे यानी कि 6 नंबर। तो सीधा ही आप एक्सरसाइज 7, मैं यहाँ कहता हूँ आपको 7.1 है कि अकेली ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको प्रूफ वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आप डायरेक्टली 6 नंबर स्कोर कर सकते हो। केवल प्रूफ वाले क्वेश्चन जो बुक में दे रखे हैं उनको करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आप कर पाते हो तो उनको करो, डेफिनेटली आप 6 नंबर स्कोर कर लोगे जो कि पार्ट डी के अंदर पूछा जाता है। फिर आती है दोस्तों एक्सरसाइज 8 जिसमें आपको एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण के ऊपर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें भी 1 क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, तो ये पूरा पोर्शन रहता है ट्रिग्नोमेट्री का 11 नंबर का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर आता है ज्यामिति का पोर्शन। जैसा कि मैंने बताया कि पूरी ज्यामिति 20 नंबर की है। अब जैसे लोकस है तो लोकस के अंदर 3 नंबर का पोर्शन, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जिसमें 3 नंबर का 1 क्वेश्चन हो सकता है। फिर आता है 11 एक्सरसाइज जिसमें थ्योरम्स है, तो 11.1 से लेकर 11.12 और 13 तक थ्योरम्स उसमें पूछी गई है। अगर आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ में इन थ्योरम्स को कर लोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस से जुड़ने के बाद में इन थ्योरम्स को आप हलवा मानने लग जाओगे। ये थ्योरम्स कुछ भी नहीं है दोस्तों, अगर आपने एक बार थ्योरम को अच्छे से पढ़ लिया और अच्छे से सीख लिया तो इसका कोई डेटा चेंज नहीं होने वाला है। अगर आपने वर्डिंग को अच्छे से समझ लिया तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ से भी आपके 3 और 3 नंबर के 2 थ्योरम पूछी जाती है तो आप उनको भी उड़ा दोगे। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12 और 13, उसमें आप छोटी छोटी थ्योरम्स है 11 के मुकाबले, वो तो छोटी थ्योरम्स ही है 12 और 13 के अंदर, सर्कल एंड टेंजेंट यानी वृत्त और स्पर्श रेखाएं। तो एक्सरसाइज 12 और 13 के अंदर भी क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कभी कभार एक्स और वाई जेड और वैल्यू एंगल्स की वैल्यू निकालने के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तो बहुत ही ईजी रहता है करने के लिए। बच्चों को डायग्राम देख के डर लगता है बट मैं आपको कहता हूँ एक बार आप स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस से जुड़ो तो सही, आपको पता लग जाएगा मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है, सब कुछ हलवा है। आप एक बार क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा किस तरीके से क्रैश कोर्स के अंदर पूरी किताब आपने मात्र 1 महीने के अंदर खत्म कर दी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में आता है एक्सरसाइज 14 जो कि बहुत अच्छी लगती है उन बच्चों को जिनको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है, एक्सरसाइज फार्मूलाज याद करने में दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है दोस्तों। एक्सरसाइज 14 के अंदर जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स है उनको लिखकर और डायग्राम बनाकर हम वहाँ से भी 3 नंबर से लेकर 6 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। अब बोर्ड के ऊपर रहता है कि वो वहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन दे पाए। ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे किस किस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके आगे एक्सरसाइज
15 और 16 यानी क्षेत्रमिति, वहाँ से डेफिनेटली दो नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं और तीन नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो चांसेस दो नंबर और तीन नंबर के ज़्यादा रहते हैं। उसका कारण क्या है? दो नंबर के क्वेश्चन और तीन नंबर के क्वेश्चन में वो आपसे फॉर्मूलाज के साथ साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डीप मैथड वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ताकि RBSC को भी पता लगे कि बच्चे ने तैयारी अच्छे से की है, उसको सारे फॉर्मूलाज आते हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि एक्सरसाइज 16 के अंदर जो बेलन वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको आयतन दे रखा है यानी वॉल्यूम दे रखा है, और वॉल्यूम के साथ साथ आपको रेडियस भी दे रखी है, और साथ में उसने पूछ लिया आपको हाइट, तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो आपको मिलेगा कि ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। तो इसकी भी तैयारी हम आपको अच्छे तरीके से करवाने वाले हैं क्रैश कोर्स के अंदर। और एक भी, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो मैं बोलूँगा कि इसको रट लो, क्योंकि जो फॉर्मूलाज बनाए गए हैं वो किसी ने बनाए होंगे, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे फॉर्मूला बना है, ताकि एग्जाम में भी आप जब बैठोगे तो आप उस फॉर्मूला को ऑब्जेक्ट को देखकर बना दोगे। जैसे कि बात करूँ मैं क्यूबॉइड, इस एक्सरसाइज के अंदर आता है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या होता है? घनाभ यानी कि कमरा। अब जहाँ पर पेपर देने बैठोगे वहाँ पर कमरा होगा ना, तो उस कमरे को देखकर आप फॉर्मूला बता दोगे, आपको फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। उस टाइम अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो कमरे को देखो, ज्योमेट्री बॉक्स को देखो, फॉर्मूला याद आ जाएगा। तो हम इस तरीके से आपको यूनिट टेक्निक के साथ में आपको तैयारी करवाने वाला है। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने दोस्तों को और अपने जितने भी फ्रेंड्स आपके आपके साथ पढ़ाई करते हैं उनको जोड़ो, आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आती है एक्सरसाइज 17 और 18, जिसके अंदर आपको भी बताया कि माध्यक, बहुलक और माध्य, यानी कि ऐसे बोला जाए तो अर्थमेटिक मीन और मीडियन और मोड, इन तीन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर मैं डीपली जाऊं तो एक्सरसाइज 17.4, 17.6, 17.7 और 17.8, इन चार एक्सरसाइज को जो बच्चे आसानी से करके ले जाएं उनके 6 नंबर पक्के हैं। कारण कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके अंदर भी अथवा यानी और का पोर्शन दे रखा होगा, तो आपके पास में चॉइस रहेगी कि आप माध्यक करना चाहते हो या बहुलक करना चाहते हो, तो वो भी आपके पास में एक ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ से भी 6 नंबर स्कोर करना बहुत आसान है। अब लास्ट में आती है सबसे आसान एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए, जैसे कभी पूछ लिया थैले में हाथ डालकर आप बॉल को निकालो, या फिर पासे को उछाला है, या फिर सिक्के को उछाला है, तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। साथ ही इसमें ईयर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं कि भाई लीप ईयर है या अलीप ईयर है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इन क्वेश्चंस को भी कर लोगे। अब लास्ट में वो एक्सरसाइज जो कहीं पर भी नहीं करवाई जाती है, वो एक्सरसाइज है सड़क सुरक्षा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन जिसमें नॉर्मली आपको पूछ लिए कि PUC का फुल फॉर्म बताओ, या फिर आपको कोई और नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिए एक नंबर का, एक सीधा तीन नंबर का क्वेश्चन सड़क सुरक्षा से जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये है ब्लूप्रिंट, इसकी मदद से आप अपनी स्ट्रेटजी को और इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी तैयारी को और इम्प्रूव कर सकते हो। और स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस इसके साथ में जुड़कर दोस्तों आपको पता लगेगा कि आपने पिछले महीनों में जितनी तैयारी की थी उसका 150 से 200 गुना ज़्यादा आप यहाँ आकर अपनी तैयारी को निखार पाओगे। तो मैं आपसे ये वादा भी करता हूँ कि अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ऐसा लग रहा हो कि भाई 10वीं के अंदर मेरे पास होने के भी दिक्कत हो रही है, मैं पास हो भी पाऊँगा क्या, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ये सोच रहा है कि भाई मैं 100 में से 100 भी ला पाऊँगा क्या, 100 में से 60 की तो तैयारी मेरी हो रखी है, तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ जुड़िए। और हमने जो ये एक मुहिम स्टार्ट की है अनिमेश नाम से, इसके अंदर आपको दोस्तों एक कंप्लीट क्रैश कोर्स मिलने वाला है, जिसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज की भी सुविधा मिलने वाली है। और जैसा कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस में देखा था, जिसमें हमने बताया भी था, आनंद सर ने बताया था कि इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 4 माइनर टेस्ट और 2 मेजर टेस्ट आपको मिलेंगे, और इन टेस्ट को देकर ही आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाओगे कि हमारी तैयारी किस लेवल पर पहुंची है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो पाए इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए। और आपका क्या सुझाव है, आपका क्या सजेशन है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखकर बताएं। आपका अगर कोई डाउट होगा तो हम उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।